सूर्या और गंभीर की जोड़ी पहले टी20 मुकाबले में हुई पास, साहसिक श्रीलंका को किया तबाह। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सही सुना। अगर बात करें पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की, तो सबकी निगाहें इस मुकाबले पर थी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अस्थायी तौर पर पहली बार कप्तानी कर रहे थे भारतीय टीम की और गंभीर पहली बार कोचिंग कर रहे थे। सबकी निगाहें इस मुकाबले में थी कि कैसी कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। उनकी बल्लेबाजी पर भी सबकी निगाहें थी कि कहीं सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी में दबाव में ना आ जाए, कहीं कप्तानी का असर उनकी बल्लेबाजी पर ना पड़ जाए, कहीं वो विस्फोटक सूर्य कुमार यादव खो न जाए, कहीं आक्रामक सूर्य कुमार यादव गुम न हो जाए, कहीं हम सूर्य कुमार यादव को कप्तानी के चक्कर में गंवा न दें। लेकिन इस पहले टी20 मुकाबले में हमें सभी का जवाब मिल गया। जवाब ये मिला कि सूर्य कुमार यादव और भी निखर और भी प्रखर होकर बल्लेबाजी करेंगे। जवाब ये मिला कि गंभीर की कोचिंग में भारतीय टी20 टीम बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करेगी। जवाब ये मिला कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और रोहित के लीगेसी को आगे बढ़ाएंगे। जवाब ये मिला कि दबाव की स्थिति में भारतीय गेंदबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बहुत ही बेहतरीन कप्तानी और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले टी20 मुकाबले का नतीजा आ चुका है। भारतीय टीम ने श्रीलंकन टीम को ध्वस्त कर दिया है, एक साहसिक श्रीलंकन टीम को। इतनी कंपिटेटिव मुकाबले की उम्मीद नहीं थी, खास तौर पर पहली पारी के समाप्ति के बाद तो मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि श्रीलंका धराशायी हो जाएगी, नेस्ते नाबूद हो जाएगी और वो बिल्कुल भी कंपीट नहीं करने वाले हैं भारत के आगे। लेकिन जबरदस्त वहां पर श्रीलंकन ओपनर्स द्वारा बल्लेबाजी की गई। पाथुम निशांका ने लड़ाई लड़ी, कुशल मेंडिस ने लड़ाई लड़ी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं श्रीलंका पहले मुकाबले में झटका ना दे दे, कहीं सूर्य कुमार यादव की कप्तानी फीकी न पड़ जाए, कहीं गंभीर का जो डेब्यू है वो तबाह न हो जाए। लेकिन इन सभी बातों का ख्याल अक्षर पटेल ने रखा, रियान पराग ने रखा, भारतीय गेंदबाजों ने रखा और साहसिक श्रीलंका को अंत में जाते जाते शांत किया और पूरी तरीके से मुकाबला भारत के नाम किया। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाजों ने यह दिखाया कि वो किस टेम्पलेट से टी20 क्रिकेट में अप्रोच करने वाले हैं। पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल करने वाले हैं, जमकर बल्लेबाजी की, डटकर बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने दिखाया कि क्या काबिलियत वो पोच करते हैं। खासकर यहां पर हमें शुभमन गिल की चर्चा करनी होगी। सवाल उठ रहे थे कि शुभमन गिल क्यों, सवाल ये भी उठे कि शुभमन गिल उपकप्तान क्यों, क्योंकि उनकी जगह तो टी20 क्रिकेट में फिक्स ही नहीं है। सवाल ये भी उठे कि अभिषेक शर्मा के ऊपर शुभमन गिल कैसे। लेकिन इस मुकाबले में शुभमन गिल ने सभी सवालों का जवाब देते हुए बताया कि शुभमन गिल उपकप्तान क्यों, शुभमन गिल अस्थायी तौर पर टी20 ओपनर बल्लेबाज कैसे बन सकते हैं और शुभमन गिल के अंदर क्या काबिलियत है। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से गिल ने बल्लेबाजी की, उनका बखूबी साथ निभाया यशस्वी जायसवाल ने। उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की तबाही तो सबने देखी, जबरदस्त शानदार अर्धशत की पारी आई। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी कप्तानी के दबाव में नहीं दिखे और भी विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए दिखे। खास पारी सूर्य कुमार यादव की इस वजह से भी रही कि ऋषभ पंत दबाव में थे, ऋषभ पंत के बल्ले से रन नहीं निकल रहा था तो अपने साथी खिलाड़ी का बखूबी साथ दिया, उनके ऊपर से दबाव हटाया, पूरी तरीके से हटाया और जमकर बल्लेबाजी की, इतना विस्फोट कर दिया कि ऋषभ पंत को आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि वो कुछ भी लापरवाही वाला शॉट खेलें और अपना विकेट फेंकें। वो और भी आराम से सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते गए, सूर्य कुमार यादव को स्ट्राइक देते गए और भारतीय टीम का स्कोर चलता गया। फिर उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव ने साथ छोड़ा तो फिर ऋषभ पंत का बुल्ला बोला और शानदार 49 रन ऋषभ पंत ने बनाए। बेहतरीन अर्धशत की पारी खेली सूर्य कुमार यादव ने। भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर पहली पारी की समाप्ति पर 213 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंकन टीम 170 रन बना पाई और 43 रनों के भारी भरकम अंतर से भारतीय टीम ये मुकाबला जीत गई। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 40, शुभमन गिल ने 34, 58 सूर्य कुमार यादव पंत 49। इन चारों की बदौलत भारतीय टीम 213 रन बनाई। श्रीलंकन टीम की तरफ से 79, पाथुम निशांका, कुशल मेंडिस 45, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर पाया। एक बार निशांका का विकेट अक्षर पटेल ने निकाला, फिर पूरी तरीके से श्रीलंकन टीम निस्ते नाबूद हो गई। अर्षदीप ने 2 विकेट निकाले, सिराज ने 1 विकेट, अक्षर ने 2 विकेट, रवि बिश्नोई ने 1, तो रियान पराग के नाम
3 विकेट रहा। यह पूरे मुकाबले का लेखा जोखा रहा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।